इस कार्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर हमारे मंच की शोभा उठा रहे मेरे आदर्श जिनका कि मैं देखता हूं कि आप एक जनसेवक के रूप में हैं, जनता की आप सेवा करते हैं, लेकिन यदि सबसे बड़ी आपकी खूबी है तो वो आपका शांत स्वभाव, ऐसे व्यक्तित्व के धनी माननीय सतीश पूनिया जी। मैं इनके बारे में कहूं उतना कम है। मेरी लाइफ में मैंने सीधे हो जाओ ना यार तुम। अरे कल दिन के 8 बजे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली है, और खास करके आज भी याद है जो भाई साहब आपका 2000 का चुनाव लड़ा था, प्रसन्न 2000 में आपके याद होंगे। दिन के 8 बजे बैठे थे तो आप ऐसे मैं तैयारी करता था कॉलेज में, सब नारा लगाने वाले हरी थे उस टाइम, और 2002 में जब मैंने पहली बार एशियन गेम में मेडल जीता और मैं हिंदुस्तान में राजगढ़ की धरती पे आया, यदि मेरा कोई पहला स्वागत करने वाला व्यक्ति था तो माननीय सतीश जी को। और आज एक नई पारी की शुरुआत की है, उसमें चूरू जिले में आने पे सबसे पहले किसी ने स्वागत किया तो माननीय सतीश जी को। तो एक पारी तो 22 साल खेली है जिसमें कि दुनिया में कोई भी खिलाड़ी हरा नहीं पाया आपके छोटे भाई, आपके कोई नहीं हरा पाया। आज इस कार्यक्रम के हमारे इस लोकसभा के प्रभारी, और मैं यह कहूं कि मेरे छोटे भाई, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे अविनाश भाई साहब और मैं, तो ये मेरे से 6-5 साल छोटे हैं, तो ऐसे कैबिनेट मंत्री और मेरे विभाग का इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है जो कि हम दिव्यांगजनों के लिए काम करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस चोरों की तरह पे, और नॉर्थ साइड को स्टार्ट करते हुए नॉर्थ से आए अभिषेक जी मटोरिया, इनसे गहरा नाता है, गहरा रिश्ता है। आप मेरे ही फील्ड से एथलेटिक्स में आप नेशनल लेवल पे खिलाड़ी रह चुके हैं, और बाद में आपने जन सेवा में कार्य किया है। हमारे विधायक भादरा से संजीव जी बेनीवाल, आपके कार्य से बहुत शानदार है, पब्लिक के बीच में आप रहते हैं और हमेशा ही अपने भजनों में व्यस्त रहने वाले राजकुमार श्रीनिवास साहब, आप तो हमारा 20-25 साल से नाता है। माननीय अग्नेश महर्षि जी हमारे रतनगढ़ से चुनाव कर चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। 2013 में जब मैं लियोन फ्रांस में वर्ल्ड चैंपियन बन के आया तो सबसे पहले दिल्ली और एयरपोर्ट में किसी ने माला डाली तो माननीय विधायक जी ने डाली। और लाल जी सारण, जब मैं 2004 एथेंस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आया, आप ब्लॉक अध्यक्ष थे उस टाइम बीजेपी के, चुने मुझे आज भी याद है, आपने भव्य शानदार कार्यक्रम किया, मैं आपका उस समय से आज तक आभारी हूँ, आगे भी रहूंगा।
संतोष जी मेघवाल हमारे सुजानगढ़ से विधायक प्रत्याशी रही, आपके कार्य करने की बहुत अक्षमता है। आपने एक छोटे से परिवार से निकल करके आपने बहुत मेहनत की है और हम सबके सम्माननीय आदर्श खेमाराम जी मेघवाल, हम हमेशा ही इनसे मिलते रहते हैं और इस कार्यक्रम का इतने लोगों को यहाँ पे व्यवस्था देने वाले व्यवस्थक के तौर पे हमारे बसंत जी सर महाराज भाजपा के जिला अध्यक्ष, और नंदलाल जी के पुत्र हो तुम। मैं नंदलाल जी की इसलिए कह रहा हूं, मेरे पिताजी और नंदलाल जी धर्म भाई भाई सुमित्रा जी पूनिया, आपका बहुत बहुत सभी का आभार। माननीय ओम जी शाश्वत जी मेरे गुरु जी हैं, हमेशा कोई छोटी सी बात होती है तो इनको डिस्कस करता हूं। राम गोपाल सुजान साहब, आप डूंगरगढ़ से हैं, जिले के आप प्रभारी हैं, आपका भी यहाँ अभिनंदन है, स्वागत है हम सब की तरफ से। सबके नाम निबंध शायद बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सम्मानित मंच का होगा मतलब। अब सबसे पहले कहूंगा कि इतनी जो जनता आई है इन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बस इतना वादा करता हो जिंदगी में आपको निराश नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। और आपने 20 साल से देखा भी होगा, आज इतने प्रेस से इतने लोग आए हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी भी याद है मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, मैं घर पे बैठा था और एक न्यूज चैनल पे न्यूज आ रही थी देवेंद्र हजड़िया को लोकसभा प्रत्याशी बनाया चुनाव से, तो मैंने पहला फोन मेरी माँ को किया। मैंने कहा अपने को चूरू से चुनाव लड़ना है और मोदी जी ने कहा है, तो उन्होंने कहा तेरे को कहां से कौन लड़ाएगा। मैंने कहा मोदी जी लड़ाएंगे, मेरे को टिकट मिल गई चूरू से। उस समय मेरी माँ खेत से आ रही थी, तो देखिए आप किसान के बेटे को शीर्ष नेतृत्व ने कितना अच्छा निर्णय लिया। हम सभी किसान एक खिलाड़ियों के लिए इतने देश में खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा और विशेष तौर पे वो 7 करोड़ दिव्यांग, देश के 7 करोड़ दिव्यांगों को एक प्रतिनिधित्व दिया गया। जितने भी देश के युवा हैं सकारात्मक सोचते हैं, ये उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। मैं बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आप भी जोरदार उनके लिए तालियां बजाएं, स्वागत करें। आज महाशिवरात्रि का पर्व,
तो सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को शिवरात्रि के इस पर्व पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत शुभकामनाएं। और साथ में सतीश भाई जी ने बताया कि आज महिला दिवस है, विश्व महिला दिवस है, तो मैं माताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इस देश के प्रति नारी शक्ति का जो योगदान है वो किसी का नहीं, भले ही वो सावित्रीबाई फुले हो या पीटी उषा हो, जिन्होंने देश का मान सम्मान रखा या अंतरिक्ष में कल्पना चावला हो, बहुत बड़ी बात है हमारे मन में। मेरे जैसे व्यक्ति को 8 साल की उम्र में मुझे करंट लग गया था, एक हाथ गंवाना पड़ा, जिंदगी में भाला फेंकने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, एक लकड़ी का भाला बनाया मैंने, उससे तैयारी की मैं 2004 में जब एथेंस पैरालंपिक में जा रहा था, आज भी मुझे याद है मेरे पास सिर्फ 400 रुपए की स्पाइक थी, 400 रुपए। सरकार ने 2004 में मुझे 1 रुपया नहीं दिया, पैरा ओलंपिक जा रहा था, बहुत बड़ा दुनिया का टूर्नामेंट था, बहुत संघर्ष करना पड़ा मेरे को। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं किसान की आवाज बनना चाहता हूं इस लोकसभा से, मैं उस युवाओं की आवाज बनना चाहता हूं, मैं खिलाड़ियों की आवाज बनना चाहता हूं, मैं दिव्यांगों की आवाज बनना चाहता हूं, और मैं दलितों की आवाज बनना चाहता हूं, मैं महिलाओं की आवाज बनना चाहता हूं। बहुत से काम करने हैं यहाँ पे, बहुत जरूरत है यहाँ काम करने की, मैं सिर्फ विकास के नाम पे आया हूँ, मैं जन सेवा करने आया हूं, मैं खिलाड़ी आदमी हूं। आपको बता दूं, मेरे साथ एक खिलाड़ी 7 साल रहा, हम रूम पार्टनर थे, आज भी मुझे ये पता नहीं कि उसकी जाति क्या थी, मैं जाति की राजनीति धर्म की राजनीति नहीं, मैं सिर्फ एक विकास की राजनीति करने आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में ये भारत विकसित भारत बने, और उसकी राह पे हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप देखोगे आज खेल के क्षेत्र में, देखिए जब मैं 2004 में था तो पैसे दे करके गया, लेकिन जब मैं 2016 रियो पैरा ओलंपिक में खेलने गया तो मेरे साथ कोच, फिजियो, ट्रेनर सब मेरी फैसिलिटी थी भारत सरकार की। और आने के बाद जो स्वागत किया, आपने भी देखा होगा मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि देवेंद्र झाझड़िया ने इतिहास कायम किया देश के लिए। एक किसान के बेटे की जो स्वागत हुआ दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में, वो देखने लायक था। वहां के स्टाफ के कर्मचारी कह रहे थे ऐसा हमने स्वागत नहीं देखा पीएम हाउस में, आपके बेटे का स्वागत किया उन्होंने, किसान के बेटे का स्वागत किया उन्होंने। टॉप स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम भारत सरकार की, खिलाड़ी चाहे कुछ भी फैसिलिटी ले दे, मेडल ऐसे ही नहीं बने हैं, सुविधाएं दी है जब मेडल बढ़े हैं। आपने देखा होगा नारा दिया था एशियन गेम और पैरा एशियन गेम्स में कि अब की बार 100 बार हमने 100 से ज्यादा एशियन गेम में मेडल जीते, और 100 से ज्यादा पैरा एशियन गेम में मेडल जीते। हम जो स्लोगन बनाते हैं, हम जो नारा देते हैं वो पूरा भी करते हैं, और अब की बार क्या नारा है, अब की बार 400 बार, क्योंकि हमने काम किए हैं। आप देखते हो ये सैनिकों की धरती है, सैनिकों का मान सम्मान है यहाँ पे। किसी टाइम में हमला होता था देश पे, हम अमेरिका की तरफ देखते थे कि देखो हमारे साथ क्या हो गया, पाकिस्तान रड़क गए कहीं कोई चर्चा है कि है। मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि हमारे हर तीसरे गांव में एक शहीद की प्रतिमा लगी हुई है। इसलिए हम कहते हैं 370 खत्म कर दी। और कह रहे थे कई लोग खून की नदियां बह जाएंगी, बोलो 370 खत्म करोगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। फूल की नदियां बह आती है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात है। कह रहे थे कि कहां क्या करोगे, कश्मीर में आप तिरंगे की बात कर रहे हो, तिरंगा हाथ में उठाने वाला नहीं मिलेगा। और जब एक हमारा प्रोग्राम चला था हर घर तिरंगा, सबसे ज्यादा फहराने वाले लोग थे तो कश्मीर में थे। ये मोदी है तो मुमकिन थी। विदेशों में जाते हैं तो इतना मान सम्मान है, आज के दिन भारत का जो पासपोर्ट है उसका इतना मान सम्मान है, पहले इमिग्रेशन में दो दो घंटे लगते थे, आज इंडियन पासपोर्ट देखते तुरंत निकाल देते। ये हमारी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है हमारी। विदेश में हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, कनेक्टिविटी में हमने इतने अच्छे काम किया, आज हाईवे देख रहे हैं आप, रेलवे ट्रैक देख रहे हैं आप। हम विकास की राजनीति करते हैं, अन्य मुद्दों की राजनीति नहीं करते, क्योंकि अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति को वो सुविधाएं मिल रही है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। खेल की दुनिया में मैंने 22 साल दिए और बड़े साफ सुथरा गेम दिया मैंने मेरी लाइफ में, आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी मेरे नाम पे। आपको वादा करता हूं वैसे जन सेवा में दूंगा। आपका भाई बन के रहूंगा, आपका बेटा बन के रहूंगा, सहजता से रहूंगा, ये भी वादा करता हूं आपसे। और मैं मोदी जी का सिपाही बन के रहूंगा। अब बात यह है, मैं कोरा कागज, उस कागज पे आप एक अच्छी पेंटिंग बना दो, वो आपकी जिम्मेवारी है, बना दो आगे। तो पेंटिंग हमने बनानी है। इतना दिन तो देखो बालक में दुनिया वाले बनी, और इनके नरेंद्र मोदी जी ने यो भालो दे दियो और यो थे सब न फेंकी दिल्ली जाओ जाओ ना। तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब बात यह है प्रत्याशी थे कमल को फूल हर घर में, हर बुध पर काम करेंगे हम लोग। और विशेष तौर पे मैं आभारी हूं कि मैं जब जयपुर से आ रहा था, मेरी बात हो रही थी, हमारे संगठन के लोग इतने लगे हैं, इतने समर्पित है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना समर्पित और इतना मेहनती है कि मेरी बात हो रही थी, बोला आप आ जाइए, चिंता मत करें, हमने पूरा तैयारी कर रखी है। मैं संगठन के लोगों को, जितने भी संगठन से जुड़े हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभारी हूँ। अब ज्यादा ने बोल करके इतना ही कहूंगा, एक बात और कहनी होगी। अंदर थोड़ा सा दुख था वो बहुत दिनों से, आप देखते होंगे अवार्ड, पद्म पुरस्कार या राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार है, पहले दिल्ली में बैठा या मुंबई में बैठा, लोग आज देखे हुए थे पद्मश्री पुरस्कार या पद्म पुरस्कार पद्म भूषण, गरीब किसान के बेटे को दिया जाता है, गरीब किसान के बेटे को दिया जाता है, कई ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और ये मोदी सरकार ने मुमकिन।
पहले एक दिन मैं दिल्ली में था तो एक होटल वाला मेरा मित्र था, मैं गया उनके पास और मैंने कहा कैसे हो, बोला सर काम घट गया। मैंने कहा काम कैसे घट गया, बोला सर मेरा होटल ऐसी जगह है जहां सत्ता के गलियारों में दलाल घूमते थे, अब मोदी जी आने के बाद वो दलाल तो गए और मेरा होटल चल नहीं रहा। तो ये बड़ी बात है, एक समय था आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ घोटाला, बड़ा दुख हुआ उस घोटाले का लेकर के मुझे, मैं खिलाड़ी के नाते बता रहा हूं, वो 75,000 करोड़ का घोटाला था, एक टी शर्ट एक लोअर 2010 में कीमत दिखाई गई 20,000 रुपये, एक कॉफी की मशीन, छोटी छोटी बात बताऊं मैं, कॉफी की मशीन की कीमत कीमत से ज्यादा उसको रेंट में दिया गया, रेंट दिया गया, किराए पे दे दी जगह मुन्नी को नहीं दे दी। इतना बड़ा घोटाला आया हूं सरकार में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये घोटाले बाद गायब हो गए और एक सशक्त मजबूत भारत का निर्माण किया है। मुझे उम्मीद है 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा। आप लोग आए पधारे, मैं आप